फ्रेंड्स, सब्जी तो हम हमेशा ही अपने घर में बनाते हैं, लेकिन अगर उसके स्वाद को हम थोड़ा सा चेंज करके बनाएं तो सब्जी बेहतर तो लगती ही है, साथ ही साथ सभी को पसंद आती है और आपकी तारीफ भी होती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ बिल्कुल इसी तरह की सब्जी, जो है कटहल की सब्जी। ये सब्जी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। यकीन मानिएगा कि ये बिल्कुल नॉन वेज के इक्वल है खाने में। तो फ्रेंड्स, आइए देखिए कैसे बनाती हूँ मैं कटहल की सब्जी। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि सब्जी के स्वाद को अगर हम थोड़ा सा चेंज करके बनाएं तो वो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो फ्रेंड्स, कटहल की सब्जी को मैं इस तरीके से बनाऊंगी कि इसका स्वाद और ज़्यादा लाजवाब लगेगा। उसके लिए मैं इसमें एक ऐसा इन्ग्रीडियंट्स ऐड कर रही हूँ जो इसके स्वाद को और बेहतर बनाएगा। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरी वीडियो में। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी के साथ साथ लाइक और शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बताऊंगी कैसे बनाती हूँ मैं कटहल की स्वादिष्ट सब्जी बिल्कुल नॉनवेज की तरह। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियाज वर्ल्ड। कटहल की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम कटहल, मतलब आधा किलो कटहल ली है। इसे मैंने इस तरह से छोटे पीसेस में कट कर लिया है। ये जो एक बड़ा पीस है, इसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि मैं कटहल को किस तरह से कट करती हूँ। तो कटहल को कट करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सरसों का तेल ले लिया है और इसे मैं अपने हाथ में इस तरह से लगा लूंगी और साथ ही साथ जिस चाकू से हम इसे कट करेंगे उसके ऊपर भी हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। उससे क्या होता है, जो कटहल का चिपचिपापन होता है वो हमारे हाथों में नहीं लगता है। और बस अब हम इसे इस तरह से पकड़ेंगे और जो हमारी कटहल है उसे हम छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो चाहे आप चॉपिंग बोर्ड में इसे कट करें, वहां पर भी आप अपने नाइफ में ऑयल लगा लीजिएगा और बस आसानी से इसे इस तरह से कट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जो आपके हाथों में तेल लगा है उसकी वजह से इसका जो चिपचिपापन था वो आपके हाथों में भी नहीं आया। तो है ना कितना आसान कटहल को कट करना। तो बस फ्रेंड्स, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में इसे कट कर लीजिएगा और अब मैं इसमें पानी डालकर इसे 2 से 3 मिनट बॉईल करूंगी। तो कटहल हमारे पानी में अच्छे से डिप हो गए हैं और इसे मैं 2 से 3 मिनट बॉईल कर लूंगी। उससे हमारे कटहल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद मैं आगे की प्रोसेस करूंगी। कटहल की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के प्याज को फाइनली चॉप करके रख लिया है और इसी के साथ मैंने यहाँ पर 1/2 कप भीगे हुए चावल लिए हैं, जिसे मैंने 5 घंटा पानी में भिगो के रख दिया था। अगर आप 6 से 7 घंटे भी भिगोएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं ये चावल अच्छे से फूल गए हैं और मैंने यहाँ पे ली है हरी मिर्च। यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्च ली है जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। इसी के साथ है यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 बड़े साइज के टमाटर जिन्हें मैंने चॉप करके रख लिया है और इसी के साथ मसालों में मैंने लिया है यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/4 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। बड़े मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है 1 तेजपत्ता, 2 बड़ी इलायची इसे मैंने कूट लिया था और साथ में 4 बड़ी लौंग। इसी के साथ मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल में कटहल की सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आगे की प्रोसेस करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो हमारी बॉईल की हुई कटहल थी, जिसे मैंने 2 से 3 मिनट बॉईल किया था, उसे मैंने एक छन्ने में ट्रांसफर कर लिया और उसके बाद रनिंग वाटर से इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और अब मैं इसे एक बाउल में ले लूंगी। तो फ्रेंड्स, अब अपनी कटहल में मैं 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगी, 1 चम्मच और 2 चम्मच। अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो मैं इस तरह से जो अदरक और लहसुन का पेस्ट है उसे कोट कर ले रही हूं अपनी कटहल में। और इसी के साथ मैं यहां पर 1/2 टेबल स्पून के बराबर नमक भी ऐड कर रही हूं। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स, अब ये कोट की हुई जो हमारी कटहल है, जिसे मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट और नमक मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लिया था, उसे मैं अब फ्राई करूंगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा लिया है और इसमें मैं 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल ले रही हूँ। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो मैं अपने कटहल को इसमें डाल दूंगी और इसे मीडियम हाई फ्लेम में 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है, तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल के रख लूंगी। तो अपनी सारी कटहल को अच्छे से फ्राई करके मैंने एक प्लेट में ले लिया है और अब हम बनाएंगे कटहल की सब्जी। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, भीगे हुए चावल। इसी से हमारी सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। तो देखिए मैं इसे किस तरह से यूज करती हूँ। अब मैं इसे पीसूंगी। हम चावल का पीठा बना रहे हैं कटहल की सब्जी बनाने के लिए, इसीलिए ध्यान रहे इसे हमें बिल्कुल महीन नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा पीसना है। तो यहाँ पर अभी मैं केवल 3 टेबल स्पून के बराबर पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो हम और पानी ऐड करेंगे। तो अब मैं इसे दरदरा पीस लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, चावलों को हम दरदरा पीस रहे हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा हमें और महीन करना है। तो मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून पानी और ऐड कर रही हूँ और बस इसे 1 राउंड पीसूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरह का दरदरा पेस्ट बनाना है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं बनाना है, आप देख पा रहे होंगे। तो मैंने फिर से गैस पर कढ़ाई को चढ़ा लिया है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है और मैं यहाँ पे डालूंगी 3 टेबल स्पून के बराबर सरसों का तेल। कटहल की सब्जी को सरसों के तेल में ही बनाइएगा। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब मैं यहाँ पे डालूंगी खड़े मसाले। खड़े मसालों में मैं पहले डाल रही हूँ 1 तेज पत्ता और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे डालूंगी 1 टेबल स्पून के बराबर साबुत जीरा और बड़ी इलायची और 4 लौंग ऐड कर देंगे। जीरा अच्छे से चटकने लगा है तो इस स्टेज पर मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी बारीक कटा हुआ प्याज, तो इसे हमने फाइनली चॉप कर लिया था। तो प्याज को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मैं 2 मिनट तक अच्छे से भूनूंगी। जब तक ये प्याज सॉफ्ट हो जाए, ट्रांसलूसेंट हो जाए, इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो इसे हम अच्छे से भून लेंगे। तो प्याज 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, ये ट्रांसलूसेंट हो गए हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इस स्टेज पर मैं यहाँ पे ऐड करूंगी फाइनली चॉप की हुई ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च और साथ ही साथ हम यहाँ पे डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून के बराबर, 1 और आधा चम्मच अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे 2 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को भी मिलाने के बाद हमने इसे 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब मैं यहाँ पे डालूंगी ड्राई मसाले।
हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और साथ ही साथ गरम मसाला पाउडर। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने से पहले मैं गैस की फ्लेम को लो पे ले लूँगी, जिससे कि हमारे मसाले ना जलें। और अब मैं अपने ये मसालों के पाउडर को इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद 2 से 3 टेबलस्पून इसमें पानी ऐड कर देंगे और अपने मसालों को अच्छे से अब हम भून लेंगे, तब तक जब तक इनका कच्चापन अच्छे से चला जाए और हमारे मसाले अच्छे से भून जाएं। तो इस तरह से हम अपने मसालों को भूनेंगे। तो अब गैस की फ्लेम को मैं लो मीडियम पे ले लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मसालों को भूनते हुए 2 मिनट हो चुका है और वे तेल को भी रिलीज़ कर चुके हैं। तो इस स्टेज पर मैं यहाँ पे ऐड करूँगी चॉप किए हुए टमाटर, और इसी के साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। ध्यान रहे, नमक हमने थोड़ा सा कटहल में पहले से भी मिलाया हुआ है, तो आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे नमक को ऐड कीजिएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे हम लो मीडियम फ्लेम पे ही तब तक पकाएंगे जब तक हमारी जो ये टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएं। तो इसे मैंने ढक दिया है और इसे मैं पकने दूंगी। जब हमारे टमाटर नमक के साथ में मिलते हैं तो बहुत जल्दी घुल जाते हैं, तो हम इसके घुलने का वेट करते हैं और उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो मसालों को पकते हुए 3 मिनट हो चुका है। अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। देखिए कितने अच्छे से मसालों ने तेल को रिलीज कर दिया है और ये अच्छे से भुन भी गए हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इनमें से। तो अब मैं इसे इतना ही भुनूंगी और यहाँ पर अब मैं ऐड करूंगी ये चावल का पीठा जो हमने दरदरा पीसा हुआ था। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इस चावल के पीठे को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे लगभग 3 से 4 मिनट लो मीडियम फ्लेम में अच्छे से भूनूंगी। चावल के पीठे को मसालों के साथ भूनते समय बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये भूनते समय तली में बहुत ज्यादा चिपकता है, तो आप इसे फोर्स के साथ अच्छे से भूनें और तली में ना लगने दें। अगर बीच में ये तली में बहुत ज्यादा लगे तो आप हल्का सा पानी इसमें छिड़क दीजिएगा और इसे इसी तरह से 3 से 4 मिनट अच्छे से भूनिएगा। कटहल की सब्जी में ये चावल के पीठे अगर अच्छे से भुने होंगे तभी हमारी सब्जी का स्वाद बहुत लाजवाब होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, चावल का पीठा मसालों के साथ बहुत अच्छे से भुन चुका है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और आप देख पा रहे होंगे कि इसने हल्का हल्का तेल भी रिलीज कर दिया है। तो मसालों की भुनाई अच्छे से हो चुकी है और अब मैं यहाँ पर अपने कटहल को ऐड कर दूंगी। तो अपनी सारी कटहल मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों के साथ कटहल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये जो कटहल है इसे हम मसालों के साथ इसी तरह से भूनेंगे और इसे मैं ढककर छोड़ दूंगी। ढकने से इसमें अच्छे से मॉइस्चर मिलेगा और उससे हमारे कटहल और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। हमने इसे पहले बॉईल किया था और उसके बाद फ्राई किया था, इसीलिए कटहल हमारी अच्छे से पक चुकी है और मॉइस्चर मिलने के बाद हमारी कटहल और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी।
फ्रेंड्स, ये सब्जी मैं ड्राई बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर पानी को ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आप इसे थोड़ा सा लटपट बनाना चाहते हैं या थोड़ा सा ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो इसी स्टेज पर इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा और इसे ढक दीजिएगा। तो अपनी सब्जी को इस तरह से ढककर मैं 4 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम में पकने दूंगी। तो 4 मिनट सब्जी को पकते हुए हो चुके हैं, मैं इसे चेक कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, सब्जी हमारी अच्छे से पक चुकी है, बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है और इसमें जो हमने इसकी भुनाई करी थी उसकी एक अलग ही खुशबू है। तो कटहल की सब्जी में इस तरह से अगर आप भूनते हुए सब्जी को बनाएंगे तो सब्जी का स्वाद बहुत बेहतर लगता है। तो सब्जी हमारी ऑलमोस्ट बनकर हो गई है रेडी। तो बस अब मैं इसमें हल्का सा पानी छीटूंगी इस तरह से, और अब गैस की फ्लेम को मीडियम हाई पर करके मैं इसे 1 मिनट अच्छे से और भूनूंगी। तो बस फ्रेंड्स, अपनी इस सब्जी को मैंने हाई फ्लेम में 1.5 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। सब्जी हमारी बनकर हो गई है तैयार। गैस की फ्लेम को मैं कर दूंगी ऑफ और अब मैं यहाँ पे ऐड करूंगी हमारे बारीक कटे हुए धनिया की पत्ती। और इसके बाद हमारी सब्जी है सर्व करने के लिए रेडी। तो इसे अब मैं ले लूंगी सर्विंग बोल में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रेडी हो गई है गर्मा गर्म कटहल की टेस्टी सब्जी। आप यकीन मानिए कि ये नॉनवेज के इक्वल है टेस्ट में, या आप ये भी कह सकते हैं कि नॉनवेज से भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप सभी ने मेरी रेसिपी को एंजॉय किया होगा। आगे भी मैं इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँगी जिसे आप आसानी से अपने ही घर में बना सकते हैं, वो भी बहुत ही स्वादिष्ट तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।